नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे। कबाड़ के काम करने वाले एक युवक का शव मिला है। दमों के फुटेरा फाटक के समीप इस शव को देखा गया। शरीर में काफी गंभीर चोट है। बताया जाता है कि युवक बजरिया वार्ड नंबर 3 का रहने वाला है। इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में जब जांच की गई तो पता चला कि बजरिया वार्ड नंबर 3 निवासी नीलेश कोरी, जो कि कबाड़े का काम करता था, आज सुबह उसका शव देखा गया। सिर में काफी गंभीर चोट है। युवक की जो माँ है वह हत्या का आरोप लगा रही है। उसका कहना कि उसके बेटे की हत्या हुई है। वार्ड के लोग भी काफी तादाद में पहुंचे। परिजन लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बजरिया वार्ड का युवक कैसे फुटेरा फाटक के समीप तक पहुंचा, क्या पूरा मामला है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। लाश मिलने से क्षेत्र में काफी सनसनी है। काफी तादाद में लोग इस शव को देखने पहुंचे, जिसके बाद इसकी पहचान हो सकी है। पुलिस के द्वारा प्रत्येक एंगल पर जांच की बात कही जा रही है। रेलवे ट्रैक के किनारे शव पड़ा, कई तरह के संदेह उत्पन्न हुए हैं, जिसके चलते जी भैया क्या हुआ है? कुछ नहीं, जानकारी लगी है, मोहल्ले का लड़का है, बजरिया 3 का है। अच्छा। नीलेश कोरी नाम, और पे बिट्टू। क्या नाम है इसका? नीलेश कोरी। अच्छा। मतलब बिट्टू कहते प्यार से उसको। अच्छा, कहाँ का रहने वासी है ये? बजरिया 3 का। अच्छा, क्या मतलब हालत ठीक नहीं थी क्या इनकी? नहीं, ये तो जानकारी नहीं है। मतलब कबाड़ा चुनता था, कबाड़ा बीनता था। अच्छा अच्छा, तो हो गया हुआ समस्या। आपका क्या नाम? दीपक पुरी। पिता का नाम नर्मदा प्रसाद जी, स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद। उनके माता पिता भी आ चुके हैं यहाँ पे सामने? हाँ, माता आई थी, उनके बड़ा भाई भी आया था। चलिए ठीक है, जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते